Hello students, good morning. I welcome you all on my YouTube channel. My name is Vishnu Gupta and we are learning biology here, that is more than a subject. This session is for class 10th. After a long time we are meeting here. ठीक है, अब आगे से हम लोग थर्सडे, सैटरडे एंड मंडे, ये तीन दिन मैं क्लासेस लूँगा क्लास 10th की. बीच में इंटरप्ट हो गई थी बिकॉज ऑफ द बिजी शेड्यूल, बट योर क्लासेस रिज्यूम अगेन. फिर से मैं रिज्यूम कर रहा हूँ. ठीक है, और बढ़ते हैं आगे. लाइव प्रोसेस डिस्कस कर रहे थे हम लोग. ठीक है, और लाइव प्रोसेस में वी हैव कम्प्लीटेड द ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग. हम ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग डिस्कस कर चुके थे. देयर आई टोल्ड यू अबाउट द हार्ट, हाउ द हार्ट पम्प द ब्लड, हाउ द सर्कुलेशन टेक प्लेस, सर्कुलेशन कैसे होता है, एवरीथिंग आई टोल्ड यू. ठीक है, पहले सबसे पहले ब्लड के बारे में बताया था, फिर ब्लड कहाँ पे फॉर्म होता है, ठीक है, किस तरह से ब्लड पम्प होता है, ब्लड वेसल्स कौन कौन सी होती हैं, WBC क्या होता है, प्लेटलेट्स क्या होते हैं. ठीक है, उसके बाद वी हैव डिस्कस आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज. देन आई टोल्ड यू अबाउट द वेन्स, कैपिलरीज, एवरीथिंग मीन्स अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम. हार्ट के बारे में बताया था, डबल सर्कुलेशन हो गया था. तो ये हो गया आपके जो भी टॉपिक मैंने पहले डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे. सिग्निफिकेंस ये भी हो चुका था, सिग्निफिकेंस भी. लिम्फ के बारे में बता दिया था. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिम्फ बहुत आता है बोर्ड एग्जाम में. अब आ जाते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स. प्लांट्स में पढ़ते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, अब देखो ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो प्लांट में होगा ना, वो इतना ज़्यादा मतलब एडवांस नहीं होगा, इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होगा एज द ह्यूमन बींग. जैसे ह्यूमन बींग में आपने देखा कि हार्ट भी होता है, ब्लड वेसल्स भी होती हैं, ब्लड भी होता है. ठीक है, बट इन द प्लांट दे डोंट हैव दीज थिंग. ठीक है, इनके प्लांट्स में ऐसी सारी चीज़ें नहीं है कि इनके पास ब्लड भी होगा, ब्लड वेसल्स भी होंगी, हार्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं है. बस प्लांट के पास, अगर प्लांट की हाइट ज़्यादा है, देखो प्लांट में भी कई सारे टाइप्स होते हैं. जैसे आपने 9th में पढ़ा है ना एल्गी, आपने एल्गी पढ़ा है, आपने ब्रियोफाइटा पढ़ा है, याद आ गया होगा थोड़ा सा. ठीक है, तो ये दोनों जो प्लांट्स होते हैं ना, दे आर फाउंड इन द एक्वेटिक कंडीशन. ये एक्वेटिक कंडीशन में होते हैं पहला. ठीक है, और दूसरा इनकी जो हाइट होती है ना बहुत कम होती है, मतलब ये बहुत स्मॉल प्लांट्स होते हैं. तो दोनों ही कंडीशन में दे डोंट रिक्वायर एनी वैस्कुलर टिश्यू, कोई भी वैस्कुलर टिश्यू इनको नहीं चाहिए होता है. वैस्कुलर टिश्यू याद है ना, जाइलम एंड फ्लोएम, दे डोंट हैव वैस्कुलर टिश्यू. एल्गी और ब्रियोफाइटा, जितने भी एल्गी और ब्रियोफाइटा होते हैं, दे डोंट हैव एनी वैस्कुलर टिश्यू बिकॉज दे डोंट रिक्वायर देम. उनकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है. व्हाई? बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल एंड दे आर फाउंड इन द मॉइस्ट कंडीशन. तो इसका मतलब एक चीज़ हमें पता लग गई कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की ज़रूरत वहाँ पे है जहाँ पे प्लांट की हाइट ज़्यादा होगी, और वो वाटर से क्या होंगे, दूर होंगे. दूर भी नहीं होंगे लेकिन प्लांट की हाइट क्या होगी, ज़्यादा होगी. जैसे अगर आप, आपका घर पानी में है और आपकी मल्टीपल स्टोरीज़ हैं, तो आप बाल्टी से तो पानी मल्टीपल स्टोरी में भेज नहीं पाओगे. ठीक है, तो आपको क्या लगाने पड़ेगी, मोटर. और याद रखना, जो मोटर है ना, उसी को प्लांट में क्या बुलाते हैं, वैस्कुलर टिश्यू बुलाते हैं. तो हम पढ़ने जा रहे हैं कि हाउ द वैस्कुलर टिश्यू हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन. वैस्कुलर टिश्यू कैसे हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन में, लेट्स सी. अब देखो प्लांट में देर आर टू टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, एक तो वाटर का और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन होता है. और आपने वेन एवर यू प्रोवाइड द वाटर टू द प्लांट, यू प्रोवाइड द वाटर टू द सॉयल. आप हमेशा सॉयल को वाटर प्रोवाइड कराते हो. कभी कोई लीफ को पानी पिलाता है क्या? जितने लोग देख रहे हैं मुझे बताएंगे कि हाँ, कभी लीफ को कोई वो लीफ पे अगर आप पानी डाल रहे हो तो दैट इज़ वेस्टेज ऑफ वाटर, वो वेस्टेज है. ठीक है, और वैसे भी प्लांट सबसे ज़्यादा वेस्ट करते हैं वाटर का, लेकिन फिर भी हमें उनको देना पड़ता है क्योंकि 1% ही यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस में. प्लांट यूज़ ओनली 1% ऑफ द वाटर. जो भी वाटर हम उनको देते हैं, जो सॉयल में उनके पास आता है, उसका केवल 1% यूज़ करते हैं, बाकी सब ट्रांसपीरेशन के थ्रू लॉस कर देते हैं. इसका मतलब है प्लांट ट्रांसपीरेशन, इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा करते हैं. तो एक चीज़ यहाँ पे मैं बता रहा था कि जो हम व्हेनेवर वी प्रोवाइड द वाटर, वी प्रोवाइड टू द सॉयल. और सॉयल में तुम्हें पता है कौन सा पार्ट होता है प्लांट का, दैट इज़ रूट. तो रूट एब्जॉर्ब द वाटर, रूट एब्जॉर्ब करता है वाटर के साथ साथ मिनरल का भी एब्जॉर्प्शन करता है. एंड दैट हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द रूट टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. क्योंकि प्लांट की हाइट ज़्यादा है, प्लांट में डिफरेंट पार्ट्स हैं, लीव्स हैं, ब्रांचेज हैं, तो उनका ट्रांसपोर्टेशन की नीड आएगी. ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ. फूड इज़ प्रिपेयर्ड इन लीफ. और सेकेंड जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, फूड का ट्रांसपोर्टेशन. एक तो हम लोग पढ़ेंगे वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन, और दूसरा पढ़ेंगे फूड का ट्रांसपोर्टेशन. तो फूड कहाँ पे प्रिपेयर होता है, लीफ में प्रिपेयर होता है. दैट इज़ ट्रांसपोर्टेड टू द डिफरेंट पार्ट्स, उसका भी ट्रांसपोर्टेशन होता है. तो कहने का मतलब है, इन दोनों पॉइंट से आप ये समझ सकते हो कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. तो आप अगर क्वेश्चन ये कोई पूछ ले कि क्या नीड है बताओ ट्रांसपोर्टेशन की, तो बताओगे बिकॉज द रूट एब्जॉर्ब द वाटर.
और रूट से डिफरेंट पार्ट्स को वाटर चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। फूड कहाँ पे प्रिपेयर होता है, लीफ में प्रिपेयर होता है, एंड ऑल द पार्ट्स आल्सो रिक्वायर द फूड, और भी पार्ट्स हैं जिनको फूड की रिक्वायरमेंट है, तो हाउ द फूड विल बी रीच टू देम बिकॉज ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो हम लोग यही दोनों चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं कि हाउ द वाटर एंड फूड इज़ ट्रांसपोर्टेड। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं। अब देखो जो जाइलम होता है ना, दैट ट्रांसपोर्ट द वाटर, और याद रखना जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं ये इंटरकनेक्टेड होते हैं, मतलब पूरे प्लांट में अगर रूट जाइलम है तो रूट जाइलम स्टेम जाइलम से कनेक्टेड होगा, स्टेम जाइलम लीव जाइलम से कनेक्टेड होगा, मतलब जितने भी जाइलम और फ्लोएम होते हैं ना, वो जितने भी पार्ट्स होते हैं प्लांट के, वो इंटरकनेक्टेड होते हैं। जैसे हमारे बॉडी में ब्लड वेसल्स कनेक्टेड होती हैं, ऐसे ही प्लांट में जाइलम और फ्लोएम, अब ये जाइलम और फ्लोएम एक दूसरे से नहीं कनेक्टेड होते हैं, जाइलम अलग होता है, फ्लोएम अलग होते हैं। ठीक है, मतलब दोनों मतलब एक ही ग्रुप में होते हैं लेकिन दोनों अलग अलग होते हैं। जाइलम के जो एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, फ्लोएम के जो एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि जो जाइलम होते हैं ना, उनके चार एलिमेंट होते हैं, नाइन्थ में आपने पढ़ रखा है, थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करा दे रहा हूँ। ट्रैकीड, अब ट्रैकीड का स्ट्रक्चर देखो तो स्पिंडल शेप है, ऐसे स्पिंडल शेप है, और इसमें बीच बीच में जो ये पिट दिख रहा है ना, पिट मतलब होता है गैप, परफोरेशन। ठीक है, परफोरेशन होता है, जैसे आप अगर आप पढ़ रहे हो तो आप अपनी फिंगर को ज़रा क्लोज़ करिए, और क्लोज़ करने के बाद हल्का सा गैप करो तो आपको बीच में क्या दिख रहा है, दोनों फिंगर के बीच में गैप दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो वो भी पिट है। तो पिट का मतलब क्या होता है, गैप होता है, परफोरेशन होता है, जिसके थ्रू वाटर इसमें एंटर कर सकता है, और इससे भी वाटर दूसरे को जा सकता है। मतलब अगर इसमें एक बार वाटर आ गया तो वाटर इन पोर्स के थ्रू अंदर भी जा सकता है और इनसे बाहर भी आ सकता है। ठीक है, तो ये पिट हो गए, तो इसको बोलते हैं ट्रैकीड। ट्रैकीड और वेसल में देख रहे हो, बेचारा दुबला पतला है, मोटा सा है, तो वेसल्स क्या होती है, वेसल्स की डायामीटर ज़्यादा होती है, और इनका जो एंड होता है वो ब्रॉड होता है, वो नैरो नहीं होता, इसीलिए स्पिंडल शेप में नहीं होती, ये स्पिंडल शेप है, ये स्पिंडल शेप नहीं है। ठीक है, तो वेसल्स में आप देख सकते हो, वेसल्स में भी पिट्स होती हैं। ठीक है, और इनका बस एक डिफरेंस है कि इनका जो डायामीटर होती है वो ज़्यादा होती है, और इनका जो एंड होता है वो नैरो नहीं होता, वो ब्रॉड होता है। अब देखो, एक एक वेसल है तो दूसरी वेसल ऐसे होगी, ठीक है, फिर तीसरी वेसल होगी, इस तरह से जो एक वेसल है वो दूसरी वेसल से कनेक्टेड होगी, फ्यूज़ नहीं होगी। याद रखना, आप ये नहीं कह सकते कि दोनों एक दूसरे से फ्यूज़ हैं, तो फ्यूज़ हैं तब तो एक एक मतलब एक ही होगी ना, फ्यूज़ नहीं है, अलग अलग है, मतलब ये अलग है, ये अलग है। जैसे हमारे बॉडी में ब्लड वेसल्स फ्यूज़ होती है, मतलब वो सेपरेट नहीं होती, कि ऐसा नहीं होता कि एक जगह आर्टरी ख़त्म हो गई फिर गैप है फिर वेंस स्टार्ट हो रही है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो प्लांट में क्या होता है, इन दोनों में मतलब कनेक्टेड तो होते हैं बट फ्यूज़ नहीं होते, याद रखना। जाइलम पैरेन्काइमा, यही एक ऐसा एलिमेंट है जाइलम में जो लिविंग होता है, बाकी सब डेड होते हैं, और जो फाइबर होता है, फाइबर में देख रहे हो, ये और हार्ड हो जाता है। ठीक है, जैसे आपने कॉटन फाइबर देखा है, आपने नेचुरल फाइबर देखा है ना, एकदम वैसे ये फाइबर होते हैं। ठीक है, और प्लांट में जाइलम को वुड बुलाते हैं, जो जाइलम होता है ना इसी को वुड बुलाते हैं, मतलब जो हमें लकड़ी मिलती है ना वो जाइलम ही होती है, एक्चुअल में वो जाइलम होती है। अभी मैं जब इस टॉपिक को कम्प्लीट करूँगा तब बताऊँगा, ठीक है, कि जाइलम को ही क्या बुलाते हैं, वुड बुलाते हैं। तो जाइलम का कौन सा पार्ट हम एज अ वुड यूज़ करते हैं, जो हार्ड पार्ट होता है। ठीक है, तो ये हो गया एलिमेंट्स के बारे में। एक एक्सपेरिमेंट होता है, उसके थ्रू आप ये प्रूव कर सकते हो कि जाइलम ही वाटर का कंडक्शन करता है। देखो, प्लांट में वैस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं, ऐसे वैस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं, ये इस तरह से अरेंज होते हैं प्लांट में, इस तरह से। अगर आप जब स्कूल ओपन होगा तो आप जब स्लाइड बनाओगे, ठीक है, तो उस स्लाइड में आप देख सकते हो कि स्टेम में इस तरह के टिश्यूज़ अरेंज होते हैं, जो मतलब सेंटर के साइड जिनका मुंह होता है ना, मतलब जिनका फेस सेंटर के साइड होता है, वो होते हैं जाइलम। मैं थोड़ा सा इसको और क्लियर कर दे रहा हूँ। जैसे ये हो गया वैस्कुलर बंडल, वैस्कुलर बंडल मतलब ग्रुप, ठीक है, इसमें जो है, जैसे ये मान लो है ऐसे, ये दोनों, ये जाइलम और फ्लोएम की अरेंजमेंट होती है ऐसे। ठीक है, उसके बाद ये देखो, जो मैंने सर्कल बना रहा हूँ ना, जितना भी पार्ट सर्कल में आ गया वो जाइलम है। ठीक है, और जाइलम हमेशा किसके साइड होता है, सेंटर के साइड होता है। ठीक है, और जो फ्लोएम होता है वो पेरीफेरल रीजन की तरफ होता है। जो फ्लोएम है वो ये है, ये जो येलो कलर से मैं दिखा रहा हूँ, ये फ्लोएम होता है। इसका मतलब है कि सेंटर के साइड कौन है, जाइलम है, और पेरीफेरल रीजन पे कौन है, फ्लोएम होता है। तो अगर हम किसी प्लांट के ट्विक को, मतलब किसी प्लांट को ऐसे कट करके उसको किसी मतलब किसी भी कलर सॉल्यूशन में लगा दें, ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे भी कर सकते हो,
ठीक है, कोई भी छोटा प्लांट है उसको आप किसी कलर्ड सॉल्यूशन पे, आपके यहाँ बहुत सारे कलर होंगे, उसको डाल के आप उसी मतलब वाटर में उस प्लांट को लगा दो। 24 आवर के बाद, 24 घंटे या 48 आवर के बाद आप क्या करो, आप देखोगे अगर उसका फ्लावर वाइट होगा तो वो कलर हो जाएगा, पहला। दूसरा, अगर मान लो फ्लावर नहीं है तो आप उसकी बाद में स्टेम को कट कर लो, रेज़र की हेल्प से आप स्टेम को कट कर लो। स्टेम को जब बहुत बहुत पतला कट करना पड़ेगा, जब बहुत पतला कट करोगे तो देखोगे जो कलर आपने यहाँ यूज़ किया था वो कलर आपको बीच में दिखेगा, ठीक है। अब पेरीफेरल रीजन पे वो कलर नहीं दिखेगा, लेकिन वो कलर बीच में दिखेगा। तो जब वो कलर बीच में दिखेगा तो इससे क्या प्रूफ होता है कि वट एवर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इज टेकिंग प्लेस, दैट इज़ टेकिंग प्लेस द टिश्यू विच इज़ प्रेजेंट इन द सेंटर, जो सेंटर के साइड प्रेजेंट है। और अभी मैंने बताया सेंटर के साइड कौन से टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, जाइलम प्रेजेंट होते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ है कि जाइलम कंडक्ट द वाटर, और वाटर के साथ और किसका कंडक्शन करता है, मिनरल का कंडक्शन करता है, ठीक है। अब मैं, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी हाउ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर टेक प्लेस, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन वाटर का कैसे होता है। तो मैं आपको पहले दो तीन चीज़ बता दूँ ताकि आपको जब बहुत जल्दी से समझ में आ जाएगा। देखो, जैसे सपोज ये रूट है, ठीक है, ये रूट हेयर्स हैं, रूट हेयर जानते हो ना, बहुत सारे ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स निकले होते हैं रूट से, ये रूट हेयर्स हैं, ठीक है, ये रूट हेयर्स हो गई। उसके बाद अब देखो, ये हैं सॉयल पार्टिकल्स, ये हो गए सॉयल पार्टिकल्स, ठीक है, ये सॉयल पार्टिकल्स हैं, इनको हम बुलाते हैं सॉयल पार्टिकल। और ये क्या हो गई, रूट हेयर हो गई, रूट मान लो। अब रूट के अंदर भी सेल्स होती हैं, रूट हेयर के अंदर ऐसे ऐसे सेल्स होंगे इस तरह से, और यहाँ पे है वैस्कुलर बंडल, ये मैं इसको वीबी नाम से दे दे रहा हूँ, ठीक है, ये वैस्कुलर बंडल हो गया, ठीक। अब जैसे आपके घर में जो मोटर लगी है वहाँ तक तो पानी पहुँचेगा ना, तभी तो पानी वो खींचेगा और पंप करेगा। अगर मोटर तक पानी नहीं आ रहा है तो क्या मोटर कहाँ से पानी ले आएगा। तो वैस्कुलर बंडल को मैंने क्या बताया, मोटर बताया, यहाँ तक वाटर का पहुँचना ज़रूरी है, ठीक है। अब देखो, वॉट एवर वाटर वी प्रोवाइड इन द सॉयल, हम सॉयल के अंदर प्रोवाइड करा देते हैं, ठीक है। सॉयल के अंदर वाटर भी होता है और आयन भी होता है, मतलब वाटर भी होगा, वाटर और प्लस आयन दोनों होते हैं, ठीक है। अब देखो, वाटर में अगर आयन प्रेजेंट है तो वाटर की पोटेंशियलिटी कम हो जाएगी। अगर किसी भी प्योर वाटर में आयन प्रेजेंट हैं, मिनरल्स प्रेजेंट हैं, तो उनकी पोटेंशियलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सबसे पहले जो रूट हेयर्स की सेल्स होती हैं वो आयन का एब्जॉर्प्शन करती हैं, ठीक है, और आयन का एब्जॉर्प्शन दैट विल नॉट बी पैसिवली, वो हमेशा एक्टिवली होगा, मतलब दे हैव टू लॉस सम एनर्जी। व्हेन दे विल लॉस एनर्जी, दे विल इनटेक द आयन, किसका एब्जॉर्प्शन कर लेंगे, आयन का। जब आयन चला जाएगा तो पीछे पीछे क्या चला जाएगा, वाटर भी इनटेक हो जाएगा, समझ में, ठीक है। कि एक बार अगर आयन इंटर हो गया रूट हेयर के सेल्स में तो उसके पीछे कौन इंटर हो जाएगा, वाटर इंटर हो जाएगा, फ्रॉम कंसंट्रेशन आ जाता है ना, मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो जाता है। देखो फिर से समझो, सॉयल में क्या प्रेजेंट है, वाटर प्लस आयन दोनों प्रेजेंट हैं। रूट हेयर के सेल्स ने आयन को खींच लिया, जैसे हम अगर मान लो गाय होती है, गाय का बछड़ा होता है, ठीक है, अगर हम गाय को चाहते हैं हमारे साथ आ जाए तो उसके छोटे बछड़े को भी ले लें। आपने देखा होगा गाय के छोटे बछड़े को अगर हम आगे आगे अपने साथ ले चलें तो उसके पीछे पीछे गाय भी चली जाती है। उसी तरह समझ सकते हो कि वाटर और आयन दोनों प्रेजेंट होते हैं। आयन का एब्जॉर्प्शन जो होता है वो एक्टिवली होता है, ठीक है, मतलब आपने जो बछड़े को खींच रहे हो उसमें आपकी ताकत लग रही है, लेकिन जो उसके पीछे उसकी माँ मतलब गाय आ जा रही है उसमें आपकी कोई ताकत लग रही है, नहीं लग रही है, वो तो अपने आप आ जा रही है, ठीक है। तो ऐसे ही वाटर प्लस आयन, जब आयन का एब्जॉर्प्शन एक्टिवली होता है तो उसके पीछे वाटर, उस डिफरेंस को मतलब मेंटेन करने के लिए वाटर इंटर हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि वाटर का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो पैसिवली होता है, ठीक है। वाटर एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, पैसिवली होता है, उसमें कोई एनर्जी लॉस नहीं होती, इसीलिए ऑस्मोसिस होता है। वाटर किस प्रोसेस के थ्रू रूट में इंटर करता है, ऑस्मोसिस के थ्रू। अब देखो, जब वाटर एंटर करेगा तो आयन, इस तरह आयन चलेगा वाटर चलेगा, आयन चलेगा वाटर चलेगा, इस तरह से वाटर कॉलम बन जाएगा। जैसे आप स्ट्रॉ पाइप को कोल्ड ड्रिंक में डालते हो तो क्या होता है, कुछ हाइट तक कोल्ड ड्रिंक अपने आप आ जाती है, कैपिलैरिटी फोर्स बोलते हैं उसको, ठीक है, उसी को क्या बुलाते हैं, कैपिलैरिटी फोर्स बुलाते हैं, ठीक है। तो मतलब कहीं पे भी अगर वाटर, जैसे आप आपके घर में टंकी कहाँ पे लगी है, टैप कहाँ बाथरूम में लगे हैं, आप टैप ऑन करते हो तुरंत पानी आ जाता है कि नहीं आ जाता है, वो ऐसा क्यों है, क्योंकि वाटर वाटर को अट्रैक्ट करता है, वाटर जो है वो वाटर मॉलिक्यूल को खींचता है। तो एक बार जब वाटर इसमें आ जाता है तो वाटर कॉलम बन जाता है, इस तरह से वाटर कॉलम बन जाता है, और धीरे धीरे ये वाटर कॉलम रूट हेयर के सेल्स को क्रॉस करते हुए, फिर प्लांट के सेल्स को क्रॉस करते हुए कहाँ पहुँच जाएगा, वैस्कुलर बंडल में पहुँच जाएगा,
ठीक है। तो हमने क्या क्या पॉइंट डिस्कस किया, सबसे पहले सॉयल में क्या प्रेजेंट होता है, वाटर प्लस आयन, ठीक है। उसके बाद जो रूट होती हैं वो सबसे पहले किसका एब्जॉर्प्शन करती हैं, आयन का। कैसे करती हैं, एक्टिवली करती हैं। एक्टिवली का मतलब क्या हो गया, एनर्जी का लॉस करके, ठीक है। अब रूट के अंदर क्या आ गया, रूट के अंदर क्या आ गया, आयन आ गया, रूट आयन आयन आ गया इसमें। कैसे आया, एक्टिवली आया। अब इसमें जो वाटर होगा दैट विल एंटर पैसिवली, मतलब रूट में जो वाटर होगा वो पैसिवली एंटर कर जाएगा, जो डिफरेंस है ना उसको मेंटेन करने के लिए, क्योंकि वाटर प्लस मिनरल था, अब आयन गया तो डिफरेंस आ गया, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन वाटर मूव कर जाएगा। इस तरह से वाटर मूव करते करते, ये देखो मैंने ये रूट हेयर की सेल में बना दे रहा हूँ, ये इसको मैं नाम दे रहा हूँ ए, फिर बी, फिर सी, ये सब सेल्स हैं, ठीक है, सेल्स हैं। तो सबसे पहले ए से बी में जाएगा, बी से सी में जाएगा, सी से डी में जाएगा, इस तरह से ड्रॉप ड्रॉप करके वाटर कॉलम बन जाएगा। वाटर कॉलम क्यों बन जाएगा, क्योंकि एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है, जैसे एक वाटर मॉलिक्यूल है दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है, इसी को बुलाते हैं कोहेसन फोर्स। जैसे आप अगर कहीं पे हो और आपका फ्रेंड कहीं पे है, तो आप अपने फ्रेंड को खींचते हो, ठीक है, दूसरे दूसरे के फ्रेंड को थोड़ो ना खींच लोगे, तो अपने जैसे ही मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करने को क्या बुलाते हैं, कोहेसन फोर्स बुलाते हैं। इसी कोहेसन फोर्स से वाटर कॉलम बन जाता है, और वाटर कॉलम जब बन जाता है, ठीक है, तो वाटर कहाँ तक धीरे धीरे पहुँच जाता है, जाइलम तक। और तुम्हें पता है जाइलम की जो मतलब एलिमेंट्स हैं दे आर इंटरकनेक्टेड, धीरे धीरे वाटर कॉलम कहाँ पे बन जाता है, जाइलम में बन जाता है, क्योंकि नीचे से तो वाटर पुश हो रहा है ना, धीरे धीरे वाटर ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब लेकिन वाटर का कंजम्पशन नहीं होगा, मतलब वाटर खींचेगा नहीं ऊपर तक, जैसे आप घर में दिया जलाते हो, ठीक है, आप दिया होगा आपके यहाँ, ठीक है, ये इसमें आप बाती डाल देते हो, ठीक है, ये बाती हो गई, ये बाती हो गई, बहुत मैं बहुत रियल लाइफ का एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ तुम्हें। और इसमें आप क्या कर देते हो, ऑयल भर देते हो, कुछ कुछ टाइम के बाद देखते हो ऑयल यहाँ तक पहुँच जाता है, मतलब जो ऑयल है ना वो यहाँ तक पहुँच जाता है, ठीक है। अब देखो ऑयल अगर जल्दी पहुँचाना है तो आप क्या करते हो, इस बाती को डिप कर देते हो, लेकिन अगर आप थोड़ा वेट करो तो ऑयल अपने आप यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो ऑयल यहाँ तक कैसे पहुँच गया, क्योंकि इस फाइबर में धीरे धीरे ऑयल के कॉलम बन गया, ठीक है। उसके बाद क्या ऑयल का कंजम्पशन होने लगता है, नहीं होता। तो ऑयल आप बाती मतलब दिए को क्या जला देते हो, आप दिए को जला देते हो, दिया जला देते हो, ठीक है। जब दिया जला देते हो तो क्या होता है, फिर ऑयल का कंजम्पशन होने लगता है, फिर ऑयल नीचे नीचे से खींचने लगता है। सेम एज वाटर प्लांट में भी ऐसा होता है, एक बार वाटर जो है वो जाइलम तक तो पहुँच गया, लेकिन ये वाटर पुल मतलब डिफरेंट पार्ट्स तक कैसे पहुँचेगा, तो क्या होगा, इवेपोरेशन होगा। कौन सा प्रोसेस होगा, इवेपोरेशन, मतलब वाटर का प्लांट क्या करेंगे, लॉस करेंगे। जैसे इस टाइम गर्मी ज़्यादा है तो आपकी बॉडी इवेपोरेशन ज़्यादा कर रही है, जब इवेपोरेशन करती है तो पानी ज़्यादा कंज्यूम होता है कि नहीं आपकी बॉडी में, ऐसे ही प्लांट के जो एरियल पार्ट्स होते हैं वो वाटर का क्या करते हैं, ट्रांसपीरेशन मतलब इवेपोरेशन करते हैं, और जब इवेपोरेशन करते हैं तो वाटर का एक क्या बनता है, पुल बनता है, उसी पुल को बुलाते हैं हम ट्रांसपीरेशन पुल, ट्रांसपीरेशन पुल, इसको सक्शन पुल भी बुला सकते हैं, दिस पुल इज आल्सो नोन एज सक्शन पुल। सक्शन मतलब क्या होता है, खींचना। जैसे आप पाइप को कोल्ड ड्रिंक में डाल देते हो तो क्या कोल्ड ड्रिंक आपके मुंह तक पहुंच जाती है, नहीं, उसको क्या करना पड़ता है, उसको खींचना पड़ता है। ऐसे ही भाई प्लांट में कोई ऐसा है नहीं कि ऊपर लीफ में बैठा है पानी को खींच लेता है, ठीक है। तो खींचने के लिए क्या होता है, ट्रांसपीरेशन होता है, जब ट्रांसपीरेशन होता है तो क्या होता है, वो वाटर कहाँ तक पहुँच जाता है, हाइट तक पहुँच जाता है। तो दिए का एग्जाम्पल द बेस्ट है, अगर आप कभी भी इस टॉपिक को समझने मतलब प्रॉब्लम हो तो आप दिया मतलब जो आपके घर में जो दिया होता है, जो कॉपर का होता है, तांबे का, उसको आराम से देखो, ध्यान से देखो, ऑब्जर्व करो, आपको पूरा प्रोसेस बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने एक डायग्राम प्रेजेंटेशन बना रखा उसी का, जो भी हमने टॉपिक डिस्कस किया। देखो सबसे पहले मैं और जूम कर देता हूँ, ये देखो सॉयल वाटर है, सॉयल वाटर है, धीरे धीरे सॉयल वाटर एंटर कर जाएगा। कैसे एंटर किया है मैंने बता दिया, देखो वाटर एंटर इन द रूट थ्रू द बाय द ऑस्मोसिस। अब ये इसमें एंटर हो गया, धीरे 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 ये रूट की जो सेल्स हैं उसमें क्रॉस होगा, ये क्रॉस हो रहा है। अब ये किस में आ गया, स्टेम में आ गया, मतलब जाइलम में आ गया, ठीक है। धीरे धीरे जब ये जाइलम में जाएगा, देख रहे हो जाइलम में गया, उसके बाद क्या हो रहा है, जब ये डिफरेंट पार्ट्स में जाएगा तो इसका इवेपोरेशन हो गया, देखो ये इवेपोरेशन हो रहा है, वाटर वेपर बाहर हो जा रहा है। जब इवेपोरेशन होगा तो सक्शन पुल बनेगा, जब सक्शन पुल बनेगा तो वाटर क्या होने लगेगा, खींचने लगेगा। तो इस तरह से एब्जॉर्प्शन तो ठीक है, एब्जॉर्प्शन हो जा रहा है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन वाटर का 100, बहुत कई सारे ऐसे ट्री होते हैं जिनकी हाइट जो है 100 मीटर तक होती है,
वहाँ तक वाटर कैसे पहुँचेगा, वहाँ तक वाटर पहुँचेगा ट्रांसपीरेशन पुल की वजह से। अगर ट्रांसपीरेशन पुल नहीं होगा तो इतनी हाइट तक वाटर नहीं पहुँच सकता, ठीक है। तो ये इस देखो इस चीज़ में सारी चीज़ें लिख रखी हैं इस डायग्राम में। अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखो तो इसमें देखो ट्रांसपीरेशन स्ट्रीम के बारे में भी बता दिया है कि ट्रांसपीरेशन हो रहा है। जब ट्रांसपीरेशन हो रहा है तो वाटर और तेज़ जल्दी से जल्दी क्या होने लगता है, खींचने लगता है, जिसको हम सक्शन पुल बनाते हैं, ठीक है। तो एकदम आप दिए का एग्जांपल लेके समझोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और इसलिए मैंने इस डायग्राम को भी लगा दिया, इस डायग्राम से भी आपको बहुत अच्छे बहुत क्लियर हो जाएगा कि कैसे वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। इसीलिए मैंने आपको बेसिक आइडिया पहले ही दे दिया, ठीक है, जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। अब ये देख लो, देखो एसेंट मतलब होता है चढ़ना, मतलब कहीं पे ऊपर की तरफ जाना, असेंडिंग ऑर्डर आपने देखा है ना, असेंडिंग मतलब क्या होता है, ऊपर की तरफ जाना, छोटे से ऊपर। तो सैप मतलब होता है वाटर में मिनरल भी प्रेजेंट है, उसको बुलाते हैं सैप। तो वाटर और सैप में यही डिफरेंस होता है कि वाटर में अगर और भी कुछ प्रेजेंट है तो उसको बुलाते हैं सैप। तो एसेंट ऑफ सैप का मतलब क्या हो गया, वाटर का ऊपर जाना, ठीक है, वाटर के ऊपर जाने को क्या बुलाते हैं, एसेंट ऑफ सैप। तो जो भी मैंने अभी बताया वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। द रूट हेयर एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉयल बाय ऑस्मोसिस एंड टेक इट मिनरल बाय द डिफ्यूजन, दस अ डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ आयन इज क्रिएटेड, ठीक है। जो सॉयल में और जो रूट में जो वाटर मॉलिक्यूल हैं, मतलब जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो जाता है, ठीक है। और इसी तरह से जो कंसंट्रेशन जो डिफरेंस क्रिएट हो जाता है उसी की वजह से वाटर मूव कर जाता है। तो वाटर अलोंग विद एसो डिजॉल्व मिनरल फ्रॉम रूट हेयर पासिस टू द जाइलम थ्रू कॉर्टेक्स, ये सेल्स होती हैं, मतलब रूट से लेके और जाइलम के बीच में ये सारी सेल्स होती हैं, कॉर्टेक्स होता है, एंडोडर्मिस होती है, पेरिसाइकिल होती है, इन सेल्स को क्रॉस करते करते वो जाइलम तक पहुँच जाता है। एसेंट ऑफ सैप टेक प्लेस फ्रॉम जाइलम ऑफ रूट्स इनटू जाइलम ऑफ स्टेम, सबसे पहले जाइलम किसका आएगा, रूट का आएगा, फिर किसका आएगा, स्टेम का आएगा, फिर लीफ का आएगा। और तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये सब क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। उसके बाद कंटिन्यूएशन मतलब एक वाटर कॉलम बन जाएगा, जब वाटर कॉलम बन जाएगा, ठीक है, तो वाटर ड्रॉपलेट धीरे धीरे जाइलम तक पहुँच जाएगा, ठीक है। और जब वाटर कॉलम बन जाएगा तो वाटर को मतलब सक्शन करने के लिए, पुल करने के लिए क्या होगा, तब जाके ट्रांसपीरेशन पुल होगा। तो इसमें दो मेन फैक्टर हैं जो वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। पहला कोहेसन, मैंने बताया ना कोहेसन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल जैसे एक ड्रॉप अगर वाटर आ गया तो दूसरे ड्रॉप वाटर को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अभी मैंने आपको टैप वाला एग्जांपल बताया कि टैप में पानी, टंकी इतनी दूर है, पानी कैसे आ जाता है, क्योंकि कोहेसन फोर्स है, जो वाटर मॉलिक्यूल है वाटर मॉलिक्यूल को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, प्रेशर भी मेंटेन होता है, दोनों चीज़ें आप कह सकते हो, ठीक है। उसके बाद ट्रांसपीरेशन पुल, ट्रांसपीरेशन पुल बताया ना, सक्शन पुल, दिए को जब आपने जला दिया तो क्या होने लगा, ऑयल का कंजम्पशन होने लगा, वहाँ पे कंजम्पशन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसपीरेशन में वाटर का लॉस हो रहा है, जब वाटर का लॉस होगा तो सक्शन पुल बनेगा, ठीक है, उसी को बुलाते हैं हम ट्रांसपीरेशन पुल। तो ये हो गया। उसके बाद ट्रांसपीरेशन क्या होता है, ये देखो लिखा हुआ है, आपको ट्रांसपीरेशन दिखेगा नहीं, अगर आप प्लांट को देखोगे तो कहोगे अरे सर ट्रांसपीरेशन तो हो ही नहीं रहा है। आपको ट्रांसपीरेशन अगर देखना है तो आप अर्ली मॉर्निंग, ठीक है, आप मॉर्निंग में जब 6 या 7 बजे उठते हैं तो आप प्लांट को किसी पॉलीथिन से कवर कर दो। जब पॉलीथिन से कवर कर दोगे ना तो कुछ टाइम के बाद आप देखोगे कुछ ड्रॉपलेट पॉलीथिन पे आ गए, वो एक्चुअली कैसे आ गए, वो ट्रांसपीरेशन के थ्रू आ गए। और ट्रांसपीरेशन क्योंकि वेपर के फॉर्म में होता है इसलिए आपको दिखता नहीं है। तो लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, एरियल मतलब जो एयर में रहते हैं, जैसे लीफ के थ्रू, स्टेम के थ्रू भी होता है, क्योंकि जो प्लांट में जो सेल्स होती है ना उनके बीच में एयर स्पेस होता है जिसको बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। तो इसी इंटरसेलुलर स्पेस से जो है वो एयर जो है मतलब जो वाटर है वो बाहर की तरफ निकल जाता है, ठीक है। उसके बाद अबाउट, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था ना कि अबाउट 1-2% वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट, बाकी रेस्ट ऑफ द परसेंटेज मतलब रेस्ट ऑफ द वाटर इज लॉस बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। तो इसीलिए जो ट्रांसपीरेशन है वो सक्शन पुल बनाने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको इम्पॉर्टेंस यहाँ ट्रांसपीरेशन की लगा दी है कि ट्रांसपीरेशन की क्या इंपॉर्टेंस है। पहला इंपॉर्टेंस तो ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, अगर ट्रांसपोर्टेशन ना हो तो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन हाइट तक नहीं हो पाएगा, मतलब बहुत ऊपर तक नहीं जा पाएगा, ठीक है। दूसरा सरफेस को कूल करता है, जैसे हमारे बॉडी में क्या होता है, इवेपोरेशन जब होता है मतलब जो स्वेटिंग होती है, परस्पिरेशन करते हैं तो हमारी सरफेस क्या होती है, कूल होती है, ठंडी होती है, ठीक है। तो कूलिंग द सरफेस, हेल्प इन एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है, मतलब जब वाटर का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है तो ट्रांसपीरेशन बढ़ जाता है।
जैसे इवेपोरेशन, जैसे हमारी जो स्वेटिंग है वो कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करती है, विंड स्पीड, जब आप पंखा तेज़ करके बैठते हो तो इवेपोरेशन बढ़ जाता है, सेम है अगर विंड स्पीड ज़्यादा है तो ट्रांसपिरेशन भी क्या होता है प्लांट में ज़्यादा होता है। ह्यूमिडिटी, आप देख सकते हो जब जुलाई अगस्त वाली जो गर्मी आती है उसमें हमारा स्वेट जो है वो जल्दी से सूखता ही नहीं है, ठीक है, क्यों, क्योंकि इवेपोरेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ह्यूमिडिटी बढ़ने से जो ट्रांसपिरेशन है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो ह्यूमिडिटी ट्रांसपिरेशन को क्या करता है, कम करता है, विंड स्पीड क्या करता है, बढ़ाता है, टेम्परेचर क्या करेगा, बढ़ाएगा, टेम्परेचर देख रहे हो इस समय ज़्यादा है तो ट्रांसपिरेशन इवेपोरेशन भी ज़्यादा हो रहा है, और अमाउंट ऑफ वाटर, ये तो डिपेंड करेगा भाई, अमाउंट ऑफ वाटर अगर बॉडी में ज़्यादा है तो ट्रांसपिरेशन भी ज़्यादा होगा, और अमाउंट ऑफ वाटर कम है तो ट्रांसपिरेशन कम होगा, तो ये हो गया ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर बाय द जाइलम, ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया है, मैंने कंप्लीट कर दिया ये पार्ट, ठीक है, और इसमें बस दो ही तीन टॉपिक और बचे हैं, देन वी कैन कंप्लीट द लाइफ प्रोसेस, ठीक है, तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी मेट हेयर, आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग, इफ़ यू आर नॉट प्लीज़ राइट डाउन इन द कॉमेंट बॉक्स एंड वी विल मीट ऑन सैटरडे, ठीक है, अब आपकी क्लास सैटरडे को होगी, तो आपके लिए एक दिन मिल जाएगा आपको रिवाइज़ करने के लिए, एवरी थर्सडे सैटरडे एंड मंडे आई विल बी टेकिंग योर क्लास, सो आई एम कम्प्लीटिंग दिस सेशन, सेशन को मैं कम्प्लीट कर रहा हूँ, ठीक है, एंड होप सो दैट यू आर डूइंग वेल एट योर होम, स्टे एट योर होम, स्टे सेफ, जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।